तो देखिए, प्रैक्टिस सेट का ये पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और पहला प्रश्न है कि भारत के 18 जैवमंडल रिजर्व में से कितने जैवमंडल रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। ए ऑप्शन है आपका 9, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन 11 और डी ऑप्शन 12। प्रश्न संख्या 1, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या बास यानी कि हैबिटेट से समृद्ध है? पहला ऑप्शन ए वाला है पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है, बी ऑप्शन है क्षेत्र जिसमें एक प्रजाति रहती है, सी ऑप्शन है खाद्य जल में एक प्रजाति का कार्य या ये सभी। तो प्रश्न संख्या 2, आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट होगा, पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु तथा कवक, डी ऑप्शन है मृदा व जल, सी ऑप्शन पशु, डी ऑप्शन पक्षी। तीसरा प्रश्न आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट होगा, जीवाणु तथा कवक। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ए ऑप्शन है कागज, बी ऑप्शन कपड़ा, सी ऑप्शन धातु, डी ऑप्शन प्लास्टिक। प्रश्न संख्या 4, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्लास्टिक। पांचवा प्रश्न देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है? ए ऑप्शन है आपका पिकनिक मनाना, बी ऑप्शन मनोरंजन, सी ऑप्शन प्रत्यक्ष, डी ऑप्शन सरकारी योजना का निर्वाह। पांचवा प्रश्न, इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सरकारी योजना का निर्वाह। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? ए ऑप्शन है मानव, बी ऑप्शन वायुमंडल, सी ऑप्शन जल मंडल, डी ऑप्शन सौर मंडल। प्रश्न संख्या 6, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सौर मंडल, ये पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। सातवां प्रश्न देखेंगे, बहुत ही सरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आपके लिए पता है आंसर, 5 जून को। आठवां प्रश्न देखेंगे, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 8, इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, नाइट्रोजन गैस। नवा प्रश्न है, EIA यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया था 1967 में, 1969 में, 1971 में, 1973 में। नवा प्रश्न देखिएगा और सही आंसर लगाएंगे डी ऑप्शन, 1969 में। दसवां प्रश्न, लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्म काल में दिन के समय, ग्रीष्म काल में सुबह के समय, शीत काल में दिन के समय या शीत काल में सुबह के समय। दसवां प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, शीत काल में सुबह के समय। ग्यारहवां प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की अंता विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को खालिस्ताने द्वारा संबोधित करती है? ये ऑप्शन है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, बी ऑप्शन सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सी ऑप्शन विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, डी ऑप्शन विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। प्रश्न संख्या 11, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा संबोधित करती है पर्यावरण मुद्दों को। बारहवां प्रश्न देखिएगा, बारहवां प्रश्न है, निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो देखिए, प्रश्न संख्या 12 में जो सी ऑप्शन देख रहे हैं आप, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को नहीं मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपको पता है, कमेंट करके बताएंगे। 13वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, कथन है यहाँ पर, विचार करना है। पहला ऑप्शन है कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल वित्तीय उष्ण कटिबंधीय सागर
जलों में मिलती है। दूसरा ऑप्शन है विश्व की एक तिहाई यानी कि 1/3 से अधिक प्रवाल मिट्टियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। तीसरा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल मिट्टियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं। तो देखिए, यहाँ पर उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल पहला और तीसरा, केवल तीसरा, केवल पहला, या पहला और दूसरा तीसरा? 13वां प्रश्न आपका डी ऑप्शन राइट होगा, पहला दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थानों में से किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली यानी कि N22 का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? IIT खड़गपुर, IIT नई दिल्ली, IIPS मुंबई, NIRS देहरादून। प्रश्न संख्या 14, सी ऑप्शन राइट लगाएंगे, IIPS मुंबई। 15वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कविता जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो, अमीर रहमान रहसन, अबू तालिब कलीम या फैजी? 15वां प्रश्न देखिएगा, तो अमीर खुसरो का नाम आता है, सूफी संत अमीर खुसरो। 16वां प्रश्न देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या है? प्रकृति से लोगों को जोड़ना, एक विश्व हमारा पर्यावरण, प्रदूषण को समाप्त करो, भविष्य के लिए जल बचाओ। तो भैया 2018 की थीम पूछ लेता है कभी कभी, तो पहला ही ऑप्शन राइट लगाएंगे, प्रकृति से लोगों को जोड़ना। ये 2018 की पर्यावरण दिवस पर थीम मनाई गई थी। 17वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? थाईलैंड, चीन, सिंगापुर, मलेशिया? प्रश्न संख्या 17, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सिंगापुर। 18वां प्रश्न, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या उपरोक्त सभी? 18वां प्रश्न देखिएगा, उपरोक्त सभी क्या आते हैं? ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। 19वां प्रश्न, प्रकृति पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। सभी जीव, भू आकृति कारक, जलवायु, पीए कारक या ये सभी? 19वां प्रश्न, तो देखिए डी ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, ये सभी। 20वां प्रश्न, मानव पर्यावरण संबंध एक स्थान, खाली स्थान है, संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक या ये सभी? तो देखिए इसका बी ऑप्शन राइट होगा, धनात्मक। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक? तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा, प्लास्टिक। 22वां प्रश्न, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, S H2S, SF6 या SO2? प्रश्न संख्या 22, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, SO2। प्रश्न संख्या 23, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या आयन मंडल? प्रश्न संख्या 23, इसमें आप बी ऑप्शन राइट लगाएंगे, मध्यमंडल। 24वां प्रश्न, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या अध्ययन? 24वां प्रश्न देखिएगा, और बी ऑप्शन राइट लगाएंगे, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। 25वां प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? अबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, ही है कोई नहीं? 25वां प्रश्न देखिएगा, और ए ऑप्शन राइट लगाएंगे, अबायोटिक एवं बायोटिक घटक। 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल? 26वां प्रश्न आपका ए ऑप्शन राइट होगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। 27वां प्रश्न, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है?
ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन आर्गन। 27वां प्रश्न देखिएगा, और डी ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। 28वां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। 28वां प्रश्न आपका डी ऑप्शन राइट होगा, क्षोभ मंडल। 29वां प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रैपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या आयनोस्फियर। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए, बी ऑप्शन स्ट्रेटोस्फियर। और 30वां प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या उपरोक्त विधि। प्रश्न संख्या 30, आपका डी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त विधि। उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए जरूर पसंद आया होगा, इसको लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आगे आने वाले ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको समय से मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।